मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के खलनायक चिन्ना के गुणगान पाकिस्तान के बखान और आतंकियों माफियाओं के प्रति संवेदना जताने के अलावा विपक्ष ने और कोई काम नहीं किया है, जबकि भाजपा के डबल इंजन की सरकार ने आतंकियों माफियाओं व पेशेवर अपराधियों को नेस्त नाबूद कर प्रदेश में सुरक्षा व विकास का वातावरण बनाया। गरीबों के प्रति अहरनेस संवेदना जताते हुए अनेकानेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। सुरक्षा, विकास, सुशासन व जन कल्याणकारी योजनाओं को चुनाव में जनता ने भरपूर समर्थन दिया है, यही विपक्ष की हताशा और बौखलाहट की वजह भी है। इलेक्शन के बाद माँ से मिलने जाऊंगा, 2 साल पहले पिताजी का निधन हुआ था, तब से जा नहीं पाया, भय और संकोच के कारण माँ से बात नहीं कर पाया। मैं जो कुछ भी हूँ माँ की कृपा से हूँ, मेरे बचपन के शिक्षक मेरी माँ थी। सीएम योगी रविवार को गोरखपुर में अलग अलग समाचार चैनलों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता के रुझान यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 10 मार्च से सुरक्षा, विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद का अभियान एक बार फिर द्रुत गति से जारी हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था उसमें कहे सभी बातों को एक एक करके पूरा कर दिखाया है। हमने जो कहा वह किया और जो आज जो कह रहे हैं उसे फिर करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में ही जनता ने परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति को नकार दिया है। पीएम मोदी ने देश की राजनीति का एजेंडा बदल दिया है। अब यह सिलसिला सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा, विकास व गरीब कल्याण की योजनाओं के मुद्दे पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 80-20 पर केंद्रित है। 80% सीटें भाजपा को मिल रही है, जबकि 20% सीटों पर समूचा विपक्ष आपस में बंटवारा कर रहा है। विपक्ष के नेताओं की तरफ से योगी आदित्यनाथ को दोबारा मठ भेजने के तंज पर भी मुख्यमंत्री ने करारा जवाब देते हुए कहा कि उनका मठ अनुशासन, पारदर्शिता व बिना भेदभाव कार्य करने का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने यही अनुशासन व पारदर्शिता सत्ता प्रबंधन में भी दिखाया है। जाति, मत, मजहब, पंथ, क्षेत्र, भाषा के भेदभाव से परे लोक कल्याण ही उनका ध्येय रहा है। अनुशासन, पारदर्शिता और लोक कल्याण से परहेज रखने वाले ही मठ को लेकर ऐसी टिप्पणी करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में बेहतर हुई सुरक्षा के कारण निवेश का बेहतरीन माहौल बना। 5 साल के दौरान प्रदेश में करीब 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश इसका उदाहरण है। इससे रोजगार के भरपूर अवसर भी सृजित हुए। उन्होंने कहा कि 2003 से 2017 तक सपा व बसपा की सरकारों ने मिलकर जितनी सरकारी नौकरियां दी थी उससे 3 गुना अधिक भाजपा के डबल इंजन की सरकार ने 5 सालों में दी है। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने न केवल 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है बल्कि निवेश को धरातल पर उतार कर करीब 2 करोड़ लोगों को रोजगार, नौकरी व स्वतः रोजगार से जोड़ा है। सीएम योगी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सुरक्षा और जन कल्याणकारी योजनाओं से बेहद खुश आधी आबादी ने बीजेपी को एक तरफा आशीर्वाद दिया है। कतिपय परिवारों में पुरुष सदस्यों से मत भिन्नता के बावजूद बहन, बेटियों, महिलाओं ने भाजपा के पक्ष में खुलकर मतदान किया है। 6 चरणों में सर्वत्र यही देखा गया कि 7वें चरण के मतदान को लेकर भी माताएं, बहनें कमल का फूल खिलाने को उत्सुकता से तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। 10 मार्च के बाद बुलडोजर अपने अभियान में दोबारा जुट जाएगा। हमारा बुलडोजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रतीक है तो साथ ही माफिया व पेशेवर अपराधियों में भय का भी प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं का बिना भेदभाव सफल क्रियान्वयन किया है। इससे हर एक व्यक्ति के जीवन में सुखद व सकारात्मक बदलाव आया है। 5 सालों में प्रदेश में 43,50,000 गरीबों के पीएमसीएम आवास बनाए गए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने सिर्फ 18,000 पीएम आवास स्वीकृत किए थे, मिला किसी को भी नहीं था। भाजपा सरकार ने 2,61,00,000 लोगों के व्यक्तिगत शौचालय बनवाए, 1,21,000 मजरों को विद्युतीकृत करते हुए 1,40,00,000 से अधिक गरीबों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए, 1,67,00,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए, 10 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा से कवर किया, 15 करोड़ परिवारों को राशन का मुफ्त डबल डोज दे रहे हैं, वह भी तेल, दाल व नमक के साथ।
पहली बार वनटांगिया, मुसहर व थारू समाज को अधिकार इसी सरकार ने दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी मच्छर व माफिया पूर्वांचल के स्वस्थ समाज में सबसे बड़ी बाधा थे, डबल इंजन की सरकार ने दोनों का मुकम्मल इलाज कर दिया है। माफिया व पेशेवर अपराधियों पर नकेल कसे जाने से प्रदेश में निवेश का शानदार माहौल बना। स्वच्छ भारत मिशन और प्रदेश सरकार के अंतर विभागीय समन्वित प्रयासों से मच्छर जनित बीमारियों पर काबू पाया गया। सीएम योगी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 साल के दौरान 50,000 मासूमों की जान लेने वाले इंसेफ्लाइटिस को डबल इंजन की सरकार ने 5 साल में समाप्त कर दिया है। इंसेफ्लाइटिस की त्रासदी और इस पर नियंत्रण दोनों की जनता साक्षी है। कई विभागों के समन्वित प्रयास, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण व जन जागरूकता से इस समस्या का समाधान कर दिया गया है।